इस बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जयपुर हेरिटेज में मेयर के चुनाव का मामला, बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ केस दर्ज, ये बड़ी खबर। जयपुर हेरिटेज में मेयर के चुनाव के मामले में अब बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुसुम यादव के पति अजय यादव के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई है। पैसे के बल पर पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है। पार्षद दशरथ सिंह ने एसीबी में शिकायत की है। दशरथ सिंह ने सबूत के तौर पर एक ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में दी है। एसीबी को ये ऑडियो क्लिप सौंपी गई है। एसीबी डीजी बीएल सोनी अब मामले की जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मेयर पद के लिए कवायद दोनों पार्टियों की तरफ से जहां इस वक्त की जा रही है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुसुम यादव के पति अजय यादव के खिलाफ एसीबी में शिकायत हुई है। पैसे के बल पर पार्षदों की खरीद फरोख्त को लेकर पार्षद दशरथ सिंह ने एसीबी में शिकायत की है। अजय यादव जी, कुसुम यादव महापौर प्रत्याशी भाजपा की, उनके पति द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे का ऑफर है, गाड़ियों का ऑफर है, चेयरमैनशिप का ऑफर है और भी किस तरह के बहुत ऑफर है। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर आ गया। जिस तरह विधानसभा में उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरह नगर निगम में भी वो ओछी हरकतों पर उतर आई है। भाजपा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। एसीबी में परिवाद दर्ज करा दिया जो चुका है, जो जिसकी क्या नाम है तफ्तीश अभी जारी है, और जल्दी जल्दी इस बात का सब पता लग जाएगा कि भाजपा किस स्तर तक अपने बोर्ड बनाने के लिए किस हरकतों पर। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जो सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं यहां पर पार्षद की तरफ से, इसके सबूत में उस क्लिप को क्या वायरल भी किया गया है, क्या उसे सार्वजनिक भी किया गया है और क्या ऑफर दिया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल सत्ता पर काबिज होने के लिए जो राजनीतिक उठापटक है वो इन चुनावों में भी देखने को मिल रही है। दशरथ सिंह है वार्ड नंबर 42 के पार्षद, उनकी तरफ से एसीबी मुख्यालय में ये जो शिकायत है ये दी गई है परवाद के तौर पर, और जानकारी में ये आ रहा है कि इस परवाद को दर्ज करने के बाद में जांच शुरू की जाएगी आज इस पूरे तक, क्योंकि कल देर शाम पूरा घटनाक्रम एसीबी मुख्यालय तक पहुंचा है और जिसमें बताया गया है कि भाजपा की तरफ से जो प्रलोभन की तमाम जो तौर तरीके हैं उनको अपनाते हुए इस तरह के जो भाजपा मेयर प्रत्याशी हैं कुसुम यादव, उनके जो पति हैं उनके द्वारा इस तरह का जो प्रलोभन है वो दिया जा रहा है। तो एक पेनड्राइव के अंदर ही ऑडियो की जो दो क्लिप है उनको एसीबी मुख्यालय में दिया गया। दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया के जो तमाम जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या अन्य जगह हो, वहां पर भी इन जो क्लिप्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं और इस तरह के जो पूरा कंटेंट है उसको परोसा जा रहा है। एसीबी मुख्यालय में आज इसकी जांच शुरू होगी। जो डीजी है बीएल सोनी, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस तरह की जो शिकायत है वो एसीबी मुख्यालय में पहुंची है और आज उसकी जो जांच है वो की जाएगी। आशुतोष, कुसुम यादव की तरफ से इस पर कुछ कहा गया है अभी तक? देखिए, अभी तक जिनके बारे में शिकायत की गई है कुसुम यादव या उनके पति को लेकर, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई सफाई अभी तक सामने निकल के नहीं आई है, क्योंकि ये सीधा सीधा जो आरोप लगाया गया है वो भाजपा खेमे पर लगाया गया है। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि जो जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी और संभवतः उनकी तरफ, यानी जवाब जो है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस पे आ सकता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए।